हम लोग मुंह से झूठे वादे नहीं करते, खाली फॉर्म नहीं भरवाते, हम आप लोगों को सौगात देने का काम करते हैं। ये वो सरकार है जो जुमले करती है, पर्चा भरवाती है। अभी तो हाल में मेरे को सुनने में आया कि इनकी कौन सी एक नई योजना है, हमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले वो लोग एक नई योजना कागज भरवा रहे हैं। सचेत रहिएगा, ये लोग कागज से भरवाने का काम करते हैं। याद होगा आपको, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, फॉर्म भरवाया, 10 करोड़ नौकरियां, फॉर्म भरवाया। ये जुमले बाजे वाली जो सरकार है ये सिर्फ फॉर्म भरवाती है। ये वो बहरूपिये हैं जो मुंह से कहानियां ढेर सारी सुनाएंगे और बाद में आपको ठेंगा दिखा करके चल देंगे। सारे जनता के प्रेम से, उनके स्नेह से आज यहाँ पर मैं आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपने दादा की सरकार है। और जैसे ही ये सरकार आती है, पहली कैबिनेट में जितने भी हमारे आदिवासियों के ऊपर 10,000 से अधिक केसेस थे, वो पहले कैबिनेट से उन लोगों को वहां से मुक्त कर दिया गया। तो कौन करता है? ये झारखंड के आपकी अपनी सरकार के संवेदनशील आपके दादा, आपका बेटा ने किया है। वो जानता है कि जिस तरीके से उनके पिताजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपना बचपन जवानी सारा लगा दिया इस झारखंड के लिए, हमारे पूर्वजों ने लगा दिया अपना जगह जल जंगल जमीन बचाने के लिए, तो हेमंत सोरेन भी जानते हैं हमारे जितने आदिवासी भाई बहन हैं उनकी आवाज को सशक्त करना है, और निरंतर वो प्रयासरत है। आज हम इस मैया सम्मान यात्रा के तहत आप सब लोगों के समक्ष में अपनी बातों को बता रहे हैं। ये हमारा दूसरा चरण है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी की, उनकी अगुवाई में हो रही इस यात्रा में हम लोगों को, दीपिका जी को मुझे सम्मिलित करके इस यात्रा का एक हिस्सा बनाया। और ये यात्रा हम लोगों ने जो पहले चरण की, बहुत कुछ सीखने को मिला। झारखंड के अलग अलग हिस्से में क्या क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, सब जानने का हमको मौका मिला। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि उन्होंने झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है जब हमारी आधी आबादी, हमारी बेटियों, हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के लिए एक सुंदर, एक क्रांतिकारी योजना लाई है। और वो योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके उपलक्ष पर हमारी हजारों हजार बहनें यहाँ बैठी हैं और यहाँ पे लाभान्वित भी हुई हैं। ये आप सिर्फ राशि पे मत जाइएगा कि राशि हम 1,000 रुपए दे रहे हैं, दूसरे लोग बोलेंगे 2,000 दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा कदम है कि आधी आबादी को सम्मान देने का काम, उनको सशक्त बनाने का काम, उनको मानसिक रूप से ताकत देने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारे झारखंड के यशस्वी आपके बेटे, आपके दादा ने किया है। और ऐसी सोच कौन रखता है? ऐसी सोच आपका अपना दादा रखता है, ऐसी सोच आपका अपना बेटा रखता है, जो ये जानता है भली भांति कि किस तरीके से तकलीफों का सामना करते हुए उनके परिवार के साथ, इस झारखंड में लाखों परिवार लोग हैं जो कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजरते हैं। ये एक सम्मान राशि हमारी महिलाओं, दीदियों के लिए। और इसके साथ साथ झारखंड में आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में हमारा जलसैया का कार्यक्रम हुआ था रांची में, हजारों महिलाओं को मानदेय बढ़ाने का काम, स्वास्थ्य कर्मी हो, पोषण सखी हो, JSLPS की लाखों बहनें, अगर मैं बताना चाहूं 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज उनको उपलब्ध कराया गया है ताकि वो मजबूत हो सके और खुद भी मजबूत हो
और अपने अगल बगल की जितनी महिलाएं हैं उनको भी मजबूत करे। ये सोच लाने वाले कौन है? ये सोच लाने वाले आपके अपने दादा हैं। ऐसी योजना बनाने वाले कौन है? ऐसी योजना बनाने वाले आपका अपना बेटा है। अगर हम सर्वजन पेंशन की बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं, बड़ों के लिए, चाहे हम अबुआ आवास की बात करते हैं, चाहे हम बच्चों के लिए सावित्री बाई फूले की योजना की बात करते हैं, आठवीं कक्षा से लेकर के बारहवीं कक्षा तक हम राशि देते हैं, कौन सोचता है ऐसा? ये समाज को शिक्षित होना होगा और इस समाज में हर वर्ग हर जाति को शिक्षित होना होगा। बिना शिक्षा के आप आगे अपनी बातों को भी बुलंद तरीके से नहीं रख सकते। आजकल 00 बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। क्या है ये 00? हमारी आदरणीय मंत्री जी बैठी हैं, दीपिका जी यहां पर। मैं आपको मैं बताना चाहूंगी, किसान ऋण, उन लोगों का बिल जितना बकाया था वो 00 हो गया है। तो आदरणीय दीपिका जी के लिए जोरदार ताली जरूर करिएगा। और साथ ही साथ बिजली बिल, तकलीफ लगता है कमाई का, जिस तरीके से महंगाई चल रही है, और इसका भी अगर आप ताज पहनाना चाहेंगे तो केंद्र सरकार को जरूर पहनाइएगा। उनकी वजह से ही, चाहे जितनी यहाँ पर में हमारी बिल हाई आ रही है, बेरोजगारी आ रही है, महंगाई आ रही है, वो सब केंद्र सरकार की आशीर्वाद है जो हम लोगों को बद्दुआ के तौर पे लग रही है। ये वो सरकार है जो जुमले करती है, पर्चा भरवाती है। अभी तो हाल में मेरे को सुनने में आया कि इनकी कौन सी एक नई योजना है, हमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले वो लोग एक नई योजना कागज भरवा रहे हैं। सचेत रहिएगा, ये लोग कागज से भरवाने का काम करते हैं। याद होगा आपको, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, फॉर्म भरवाया, करोड़ों करोड़ों नौकरियां देंगे, साल का 2 करोड़, मतलब गिन के अगर आप हिसाब लगा लीजिए 10 करोड़ नौकरियां, फॉर्म भरवाया। ये जुमले बाजे वाली जो सरकार है ये सिर्फ फॉर्म भरवाती है। अगर धरातल में कोई योजना को लागू करते हैं, चाहे हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू करने के लिए आपके हेमंत सोरेन जी हमेशा से, हम मुंह से बोल करके काम नहीं करते हैं, हम धरातल में योजनाएं ला करके काम करते हैं और दिखाते हैं कि हमने किया है। आज हम तीनों महिलाएं मिलकर के पूरे झारखंड का भ्रमण कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? डंके की चोट पे कर रही हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद और हमारी लाखों महिलाओं में चेहरे में जो खुशियां मिली हैं, ये हमारी महागठबंधन सरकार के वजह से है, आपके अपने दादा अपने बेटा के वजह से है। हम लोग मुंह से झूठे वादे नहीं करते, खाली फॉर्म नहीं भरवाते, हम आप लोगों को सौगात देने का काम करते हैं। आपके चेहरे में एक चमक देखने के लिए हम यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं। तो मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगी, हमारी जितनी माताएं बहने हैं, क्या आप सभी को मैया सम्मान योजना पसंद है? मैया सम्मान योजना सबको पसंद है दीदी? आप लोग अपने हेमंत दादा के साथ हैं? आप लोगों को भड़काने के लिए लोग 1,000 का 2,000 देने आएंगे, क्या करिएगा? क्या करिएगा? क्या करिएगा? ये वो बहरूपिये हैं जो मुंह से कहानियां ढेर सारी सुनाएंगे और बाद में आपको ठेंगा दिखा करके चल देंगे। तो झारखंड में आपकी चेहरों पे जो ये सम्मान, जो आज आप गर्व से कहते हैं कि ये झारखंडी सरकार ने पहली बार हमारी आदि आबादियों के बारे में सोचने का काम किया है, वो है आपके अपने दादा। आपके हाथों में ये जो आप लहरा रहे हैं ये खुशियां हैं, ये वो ध्वज है, ये वो सबूत है
जिससे ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर मैं खुशियाँ दौड़ रही हैं, तो आपके हेमंत दादा के वजह से है। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि जब हमारी लाखों लाख महने अब अपने भाई दादा के साथ में खड़े हैं दूर दूर। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बाहर में धूप में हैं। कृपया करके हमें माफ कर दीजिएगा, पंडाल थोड़ा छोटा हो गया और मेरी माताएं बहनें धूप में खड़ी हैं छाता लेकर के पेड़ के नीचे। आप सभी को मैं यहाँ से बहुत आभार करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और ये ऊर्जा और ये जो ताकत देने का आप लोग हमें काम कर रहे हैं निरंतर, इसको हम लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज आप लोगों से बस इतना मैं पूछना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in